हेलो यूट्यूब, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके सूटकेस के इस हैंडल को कैसे रिपेयर कर सकते हो उन केसेस में जब ये हैंडल या तो नीचे ही रह जाता है या तो ऊपर स्टक रह जाता है और ये नीचे नहीं जा रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आपको सूटकेस को इस पोजिशन पर रख लेना है, आपको सूटकेस को ओपन करना है। उसके बाद सूटकेस के अंदर पे एक ये चेन दी होगी, इसको ओपन करना है आपको। ये यहाँ पे आपको ये दोनों पाइप्स दिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में दिक्कत होती क्या है कि जब हम लोग ये बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये बटन, तो ये बटन प्रेस करने पे ये दोनों पिन्स जो दी हुई हैं, एक पिन ये रही और एक पिन ऐसे ही इधर पे होती है, देखिए एक पिन ये रही, तो ये पिन्स को अंदर को जाना चाहिए और उसको अनलॉक करना चाहिए। तो जब आप इसको दबाओगे तो ये अंदर नहीं, ये मतलब क्या कहते हैं, बाहर को ही लगी रहती हैं। तो ये दिक्कत यहीं आती है कि ये अंदर को नहीं जाती हैं और ये डंडा आपका अटका रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने इसको हाथ से करके ऐसे थोड़ा सा करिए पुश कर दीजिए या टेप लगा दीजिए यहाँ पर, और उसी के साथ साथ ये हैंडल को अपने पुश करिए बाहर को। तो देखिए अभी ये थोड़ी देर पहले हैंडल खुल नहीं रहा था, अब देखिए ये पूरा बाहर आ गया है। ये देखिए अभी बाहर आ चुका है हैंडल, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अभी ऊपर ऊपर की पोजीशन पे आ गया। अब जैसे अगर आप इसको प्रेस करते हो तो देखो आप क्या कहते हैं, एक पिन जो है इसको प्रेस करने पे अंदर जा रही है ये वाली, बट दूसरी पिन नहीं जा रही है। तो ये साइड इसकी स्टक हो गई है। तो अब इसको रिपेयर करने के लिए हमको ये पार्ट खोलना पड़ेगा। तो इस पार्ट को खोलने के लिए आपको एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू ओपन करके इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एक ऐसा स्टार शेप का आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा वो स्क्रू ओपन करने के लिए। तो चलिए इसको अनस्क्रू करके इसको ओपन करते हैं। देखिए बहुत ईजिली ओपन हो जाता है, थोड़ा बहुत स्टक होगा तो थोड़ा ऑयल डाल लीजिएगा, है ना। तो देखिए ये एक स्क्रू निकल आया, इसको संभाल के कहीं रख दीजिए, अभी मैं फ़िलहाल नीचे रख दे रहा हूँ। और एक ये स्क्रू निकल आया, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए ये बाहर निकल आया। अब इसके अंदर क्या होता है ये देखिए, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे इसके अंदर दो पत्तियाँ दी हुई हैं। तो जैसे अगर मैं इसको पीछे से प्रेस कर रहा हूँ तो एक साइड की तो उठ रही है, एक साइड की तो ऊपर नीचे हो रही है, देखो इस साइड की ऊपर नीचे हो रही है। बट अगर आप देखोगे तो इस साइड की अच्छे से ऊपर नीचे नहीं आ रही है। तो यही कमी है हमारे इसमें, इसी की वजह से एक साइड पे ये चीज़ ना देखो ये प्रेस नहीं हो पाती। देखो अगर मैंने अभी इसको दबाया तो ये नीचे चला गया, है ना, ये यहाँ पे पिन बाहर आ गई। ऐसे ही अभी इसको दबाऊंगा तो वो पिन अंदर चली जाएगी और ये बाहर ये नीचे जाने लग जाएगा। तो बेसिकली कमी इस हैंडल में आ जाती है। अभी चलिए इसको ओपन करने के लिए हमारे पास में चार स्क्रू हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ये चार स्क्रू को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए इन स्क्रूज को भी ओपन कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए हमने इसके सारे स्क्रूज को ओपन कर लिया। अब इसको निकालने का प्रोसीजर ऐसा है कि इसमें यहाँ पर ना ये थोड़ा थोड़ा घुसा रहता है इसके अंदर पे, दो दो डंडियाँ से निकली हुई, तो इसको ये ऐसे ही बाहर नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हो ये ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, ये थोड़ा फंसा हुआ है। तो इसको आराम से निकालने के लिए इस पर ज़बरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि अगर ये टैब्स टूट जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। सो इसके लिए आप ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर ले लो, ठीक है, इससे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप प्राई कर लो, ऐसे इसको घुमाओ,
यहाँ यहाँ पे दोनों तरफ पे लगा लगा के। इससे क्या है, ये आराम से निकल आएगा, आपकी चोट भी नहीं लगेगी। ठीक है, देखिए ये आराम से निकल आ रहा है। अब इसको इस पोजीशन पे रखिए, इस पोजीशन पे, उल्टे पोजीशन में, नहीं तो इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं ये सब आपके बाहर हो जाएंगे, फिर वो खो सकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत ही पेशेंस के साथ इसको बाहर निकालिए। देखिए ये बाहर आ चुका है, मैं इन्हीं दो क्या कहते हैं स्टैंड्स की बात कर रहा था, इसको आराम से निकालने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं तो ये है हमारा ब्रोकन पार्ट, ये है स्प्रिंग, ये मैकेनिज्म भी इसके टूटने की वजह से उसके अंदर खिसक जाते, तो ये वापस पुश नहीं करता इसे, तो इस स्प्रिंग को भी साइड रख देते हैं। एंड ये देखिए आप, ये टूटा हुआ पार्ट निकल आया आपका, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखिए अगर जैसे ही आप इसको जोड़ दोगे तो वो दोनों तरफ पे इसे पुश करने लग जाएगा, ये बढ़िया आपका फिर से वापस नए जैसा काम करने लग जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, मार्केट से ये नया परचेस कर सकते हो और इसको खरीद के वापस से लगा सकते हो, अगर आप इसको फेविक्विक से नहीं जोड़ना चाहते हो। बट हम लोग इसको फेविक्विक से जोड़ेंगे, सो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टूटा हुआ पार्ट है, हमको इसको इस तरीके से जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए मैं फ़िलहाल फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ, एंड सो दैट ये बिल्कुल इसकी तरह ऐसे इवनली जुड़ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर रख दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ करूंगा, सो दैट ये अच्छे से मजबूती से जुड़ जाए और अच्छे से काम करे। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका ये पार्ट पर्टिकुलरली अगर टूटे तो आप इसको रिप्लेस करिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा ताकत लगती है। एंड इसके लिए मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि ये इसमें अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, बट मेरे हिसाब से ठीक से काम करना चाहिए। इसका मैं अपडेट वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी भी प्लास्टिक के पार्ट को अच्छे से जोड़ने के लिए मेक श्योर कर लेना चाहिए कि उसकी जो सरफेस है वो क्लीन हो, एंड मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। देखिए मैं इसमें बहुत ही हल्के अमाउंट पे फेविक्विक लगा रहा हूँ। देखिए एक ही साइड अगर आप फेविक्विक लगाओगे तब भी बात बन जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों तरफ ही फेविक्विक लगाओ। बाद में आप उसके बाद देखिए, अभी मैंने इसको प्रेस किया है तो फेविक्विक इसमें बाहर भी निकला है। इसको थोड़ा दबा के रखिए जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद जब ये लग जाता है तो उसके बाद इस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जहाँ से भी टूटा हुआ है वहाँ पे बाहर की तरफ पे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा कर देंगे सूखेगा नहीं और फिर उसके बाद फिर से टूटने का डर रहेगा। फेविक्विक बहुत छोटे अमाउंट में सबसे बेस्ट काम करता है। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रीअसेंबली। ये जो पार्ट है हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ गया है, एंड ये जुड़ा इसी की वजह से क्योंकि जब प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी होती है तो ये अच्छा जुड़ जाता है। आप अपने केस में चेक कर लीजिएगा, अगर आपके इस पार्ट की प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मे बी क्या पता वो इतना मजबूती से ना जुड़े, बट मेरे केस में ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी मैं आपको रीअसेंबली दिखाता हूँ कि आप इसको वापस रीअसेंबल कैसे करेंगे। रीअसेंबल करने के लिए एक ट्रिक है, सबसे पहले तो ये जो स्प्रिंग हमारा निकला था आपको इसी पोजीशन में इसको रीअसेंबल करना है। तो आप इसको स्प्रिंग को ऐसे लगा लो, फिर उसके बाद आपका ये पार्ट है। अब ये पार्ट का क्या काम है, इसमें भी ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा आपको, जैसे कि ये है तो ये किस ओरिएंटेशन में जाएगा। अब जाने को तो ये दोनों ओरिएंटेशन में जा सकता है, देखो अभी इसको ऐसे डाल दिया है ना, पर आपको इसको ऐसे देखना है, आपको इस ओरिएंटेशन में इसे डालना है।
अगर मैं इसको उल्टा डाल दूंगा तो बहुत ही ऑड लगेगा देखने में। ये देखिए अजीब सा लग रहा है। तो इस तरीके से इसको नहीं डालना है आपको, इसको इस तरीके से डालना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। प्लस अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे होल्ड करना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पार्ट को ऐसे ऊपर लेके आना है और ये दोनों को ऐसे सैंडविच करना है, ठीक है। सो पहले आप एक साइड घुसाड़ लीजिए उसे और उसके बाद दूसरी साइड उसको घुसेड़ लीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, देखिए जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तो इतना ईजी नहीं है। पहले एक तरफ, अब देखिए स्प्रिंग अंदर हो गया, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको पूरा स्क्रू टाइट करके दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने इसको ना ऐसे फंसा लिया है अच्छे से। अब देखिए ये आराम से ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं इसको दोनों तरफ से इवनली पुश कर रहा हूँ। देखिए ये अब ये अच्छे से इसका ढक्कन बंद कर दिया। अब ये देखिए एकदम प्रॉपर काम कर रहा है दोनों तरफ से, है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें वापस स्क्रू टाइट कर ले रहे हैं, तो मैं स्क्रू टाइट कर लेता हूँ इसे, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, चारों स्क्रू टाइट कर दिए इसके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस सूटकेस में टाइट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं इसको वापस रीइंस्टॉल करने वाला हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपके ये जो होल्स हैं वो जिस साइड पे भी आपके सूटकेस के होल्स हों वहाँ पे आपको अलाइन करना है। आपको इसको यहाँ पर इसको ऐसे और इसको ऐसे लगा के बस चुपचाप इसे अच्छे से स्नगली टाइट कर देना है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्क्रूज को फंसा लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से स्नगली आप टाइट कर लो। इस स्क्रू को बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है, बस एडिक्वेट प्रेशर के साथ में आप टाइट कर लीजिए जिससे ये इसमें बिल्कुल ना हिले। अब आपको टेस्ट करना है। आप यहाँ पर देखिएगा इन पॉइंट पिंस को, जब मेरे इसको दबाने पे अगर ये पिंस अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये मैकेनिज्म सही हो चुका है और ये बढ़िया काम कर रहा है। देखिए देखिए अब ये आराम से अंदर जाएगा और आराम से वापस बाहर आएगा। तो चलिए इसको सूटकेस को नीचे रखते हैं और मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप देख रहे हो मैंने इसको नीचे रख दिया वापस। अब मैं जब इसको प्रेस कर रहा हूँ तो इसके दोनों जो बटन्स हैं यहाँ पे ये इतना आराम से अंदर जा रहे हैं। अब ये देखिए ये भी आराम से अंदर जा रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब मैं इसको प्रेस कर रहा था तब भी ये काम नहीं कर रहा था। अभी क्या है, ये इसको मैं प्रेस करूँगा, ये आराम से बाहर आ रहा है, आराम से ये पिंस लॉक हो रही हैं। और एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन के लिए आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऑयल, इनके अंदर ऑयल, हल्का सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे ऑयल फ्री ऑपरेशन के लिए बना होता है, बट अगर आपने थोड़ा ऑयल लुब्रिकेशन के लिए डाल दिया है या तो ये और अच्छी तरीके से काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।